नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसमें कि लगभग 96-98% इन्वेस्टर लॉस में ही हैं। हो सकते बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लॉन्ग साइड में भी इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कमाया है। अगर आपका ये स्टॉक प्रॉफिट में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओवरऑल जो इम्पैक्ट इस स्टॉक को लेकर के था वो कुछ दिनों पहले तक बहुत ही निगेटिव था, जहां लगातार जो है बैड न्यूज इस स्टॉक को लेकर के देखने को मिल रहा था। इस समय ये स्टॉक 21 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। फंडामेंटली अगर इस कंपनी को देखेंगे तो अब इस समय पे धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो करते हुए दिख रहा है, चाहे वो कलेक्शन इफिशियंसी की बात हो या कासा अकाउंट की हो, डिपॉजिट की हो। अगर फंडामेंटली आप देखेंगे इस स्टॉक को तो ग्रो होते हुए दिख रहा है। इसीलिए मेरा जो पर्सनली रिकमेंडेशन इस स्टॉक को लेकर के होगा कि अगर आपने पहले से बाय कर रखा है तो होल्ड बने रहे, और अगर बाय नहीं कर रखा है तो इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, जहां बहुत फेवरेबल रिस्क और रिवार्ड पर्सनली मुझे दिखता है। 21 के आसपास का प्राइस इस समय ट्रेड हो रहा है, 16 का स्टॉप लॉस लगा है और टारगेट जो होगा वो 40 प्लस का जरूर आपको विद इन अ ईयर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। नमस्कार।